नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का सातवां प्रश्न करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रश्न के अनुसार आकृति 12.25 जो कि आपके सामने है में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी डी ये एक वर्ग है। बच्चों देखो, चारों भुजाएं बराबर हैं। ए बी सी डी ये एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर चार वृत्त, ए को केंद्र मानकर ये वृत्त, बी को केंद्र मानकर ये सर्कल, सी को केंद्र मानकर ये सर्कल, डी को केंद्र मानकर ये सर्कल बनाया गया है। इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्त में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखो, ये वृत्त जो है इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी। सी वृत्त जो है बी को भी स्पर्श कर रहा है और डी को भी। इस प्रकार से ये सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बच्चों, छायांकित भाग ये जो काले रंग वाला है, ये हरे वाले नहीं आपने देखने, ये तो मैंने सिर्फ एक अलग से आपको त्रिज्याखंड दिखाने के लिए बनाया था। ये जो काला रंग छायांकित है इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमने क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्याखंड ये, दूसरा त्रिज्याखंड ये, तीसरा त्रिज्याखंड ये, चौथा त्रिज्याखंड ये चार त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल हमने माइनस कर देना है। हमने क्या करना है बच्चों कि हमने वर्ग के क्षेत्रफल में से चार त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल माइनस कर देने हैं। तो ये हमारे पास काले वाला जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। यहां हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितने वृत्तखंड हैं, कितने त्रिज्याखंड हैं, एक दो तीन और चार। तो चार गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से हम छायांकित भाग, ये जो काले वाला है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि छायांकित भाग मतलब ये जो ब्लैक वाला हमने छायांकित भाग बीच में रखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। इसका फार्मूला है भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आसान है, भुजा गुना भुजा माइनस चार गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये हमने इस एक्सरसाइज में बहुत बार कर लिया। तो आइए हम इस विधि से इसे हल करते हैं। भुजा, वर्ग की भुजा बटा कितनी है, देखो यहाँ दिया था ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी वर्ग की भुजा हो गई 14। तो भुजा गुना भुजा यानी 14 गुना 14 माइनस आगे देखते हैं चार गुना पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी तो हमने लेनी है 22/7 आर स्क्वायर। बच्चों देखो कि ये त्रिज्या कितनी होगी। देखो, हमें पता है ए से बी तक वर्ग की भुजा है 14, आधी आ रही है इस सर्कल में, आधी आ रही है इस सर्कल में। इसका मतलब 14 का आधा कितना हो गया, 7। इसका मतलब ये जो ये वाला वृत्त है इसकी ये त्रिज्या कितनी होगी, 7। क्यों होगी 7, क्योंकि ये टोटल ए से बी 14 है, आधी इस सर्कल में है, आधी इस सर्कल में है। तो टोटल 14 है, 14 का आधा 7 इधर होगा, 7 दूसरे सर्कल में। तो इसलिए इस पहले वृत्त की, दूसरे वृत्त की, तीसरे वृत्त की, चौथे, चारों वृत्तों की जो त्रिज्या होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर गुना थीटा। बच्चों ये थीटा कितना है, ये तो आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि यह एक वर्ग है इसलिए वर्ग में सभी कोणों का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आ गया 90 गुना 360 डिग्री। तो आइए इसे हल करके देखते हैं हम। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 कटेगा, 4 इस 4 से ये 4 कट गया,
इस सात से एक सात कट गया। आइए अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या। यहाँ से बचा 14 × 14 यानी कि 196, इसके साथ है सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस यहाँ से देखिए सात कट गया, चार ये कट गया, ऊपर बचा है 22 × ये भी कट गया, ये सात बचा ये कट गया, 22 × 7, 22 × 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 196 में से 154 माइनस कर दो, 6 में से 4 निकाले 2, 19 में से 15 निकाले 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों क्या है कि ये जो काले वाला, मैं दोबारा कह रहा हूँ बेटा, हरे वाला हमने नहीं निकालना था, हरे वाला सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। काले वाला जो क्षेत्र छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमने क्या किया, पूरे वर्ग में से, ये पूरे वर्ग में से ये 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 वाला त्रिज्याखंड और ये वाला त्रिज्याखंड, चार त्रिज्याखंडों जो हरे रंग से आपको दिख रहे हैं, चारों को माइनस कर दिया तो ये बच गया। चारों को माइनस करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा गुना भुजा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था 4 × π r² θ/360। चार क्यों, क्योंकि चार त्रिज्याखंड थे, तो इनको हल करके हमारे पास आ गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान था, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सरल सा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देखकर उन्हें समझ सकते हैं। धन्यवाद।